कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, घर के कागजात ढूंढ रहा हूँ। क्यों? अरे भाई, एक काम शुरू कर रहा हूँ। सत्तार से हुई थी अभी मेरी बात। उसके लिए घर को गिरवी रखोगे? हाँ। तुम शायद भूल रहे हो कि ये घर मेरे नाम है। तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है पारो। एहसान जता रही? नहीं, तुम्हें बता रही हूं कि तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं है। सारे हकूक तो उस लाडली के हैं ना, जिसको सीने से लगाए बैठी हो। बात बात में उसको क्यों ले आते हो बीच में? शबाना, मैं नहीं लाया उसे बीच में, तुम लाई हो हमारे बीच में। बाबा, आप ही किस तरह से अम्मी से बात कर रहे हैं? बाहर तक आवाज आ रही है। अच्छा, अपनी बीवी से बात करने का सलीका अब तुमसे सीखना पड़ेगा मुझे। बेटे, आप बाबा को सॉरी कहें और जाएं यहां से। अम्मी, लेकिन बाबा को सॉरी कहिए। नहीं है मुझे इसकी सॉरी की जरूरत। जब जिंदगी में दाखिल हो गई है तो बातों में दाखिल होने से क्या फर्क पड़ता है। जाओ बेटे, तुम जाओ। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे उसके सामने मत कहा करो कुछ। हाँ, वो तो महारानी है, डरता हूं मैं उनसे। उनके सामने मुझे थोड़ी बोलना चाहिए कुछ। पता नहीं कहां से आ गई है मेरे बच्चों का हक खाने के लिए। अरे कोई नहीं खा रहा है तुम्हारी बेटियों का हक यार, बस कर दो। तुम बस कर दो। देखिए दिल माने ना, पीर और मंगल रात 8 बजे। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।